फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई से दोस्ती यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अबाउट पार्ट वन इंग्लिश सेक्शन ऑफ लेवल वन एग्जाम फॉर जूनियर परचेस असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर, विच इज ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जीज, डिपार्टमेंट ऑफ परचेस। ओके, सो दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड दिस इज यू कैन एबल टू सी ओवर हियर, टोटल 200 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 120 मिनट्स। I have already discussed some of the sections of this particular question paper on our YouTube channel. Today we are going to discuss about the English part, that is part A of this particular question paper. So here you can able to see question number 1 to 4, some direction is given to solve these questions. You have to read and after you have to solve these questions. Okay, so let's discuss about these first four questions. Rewrite the following sentence by choosing correct sentence from given alternatives. Okay, तो पहले हमें ये sentence पढ़ना है और ये नीचे दिए गए चार option में से उसका correct and alternative हमें mark करना है. So the first sentence is, she does not write to me for 2 weeks. तो ये एक simple sentence दिया है और इसका एक सही alternative हमें ढूंढना है. तो इसका जो सही जवाब है वो है option number C. She has not written to me for 2 weeks. Okay. So, इसके लिए जो हमें इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स है, टेंसेस है, या हमारे चेंज द वॉइस होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, क्वेश्चन टैग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसके रूल्स पता होने चाहिए. जो हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है, तो उसमें जो कन्वर्जन होता है, या एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या अलग अलग जो भी टाइप होते हैं, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उसके पहले या कोई भी सेंटेंस में कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं, कौन से आर्टिकल यूज होते हैं, किस तरीके से अगर कंबाइंड सेंटेंस है तो उसको ज्वाइंट करते हैं, तो ये सारी चीजें जब हम ग्रामर में पढ़ते हैं तो ऐसे सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर C. दूसरा सवाल यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट दिया है, माई फादर विल रीच देयर बाय दिस टाइम टुमारो. ओके, तो इसका हमें सही अल्टरनेटिव ढूंढना है. तो इसका सही अल्टरनेटिव है ऑप्शन नंबर D, माई फादर विल हैव रीच देयर By this time tomorrow, okay? बाकी के अगर आप देखोगे इसमें तो कुछ ना कुछ आपको गलतियां मिलेंगी. जैसे कि ये देखो, ये future continuous tense में पहला sentence, तो ये गलत हो गया. Second जो है, my father will have reach, have के आगे जो आता है वो third form आता है, तो यहाँ पे ये गलती हो गई. Third option में देखो, my father should have reached, should और have ये दोनों एक साथ नहीं आते. Okay? तो इस तरीके से तीन गलतियां यहां पे हैं, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D. ओके, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, ही वॉज इल फॉर 2 डेज व्हेन द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर. ओके, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, ही हैड बीन इल फॉर 2 डेज व्हेन डॉक्टर वॉज सेंट फॉर. ओके, कोई मरीज था जो कि बीमार था जब डॉक्टर उसे देखने गए थे. इसका ऐसा एक ब्रॉड मीनिंग है. तो इसको हम रिफ्रेश कैसे कर सकते हैं, ही हैड बीन इल फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से बीमार था जब डॉक्टर उसे देखने गए. ओके, तो इस तरीके से जब हम मन में थोड़ा सा उसका रिफ्रेजिंग करते या वो सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके उसको समझने का प्रयास करते तो इजिली इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ पाते. थोड़े ग्रामेटिकल रूल्स हमें पता होने चाहिए और हमारा इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश का जो वोकैबुलरी है या जो भी हमारा रीडिंग प्रैक्टिस है वो अगर अच्छी है तो ऐसे सवाल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये बहुत कभी कभी क्लोज ऑप्शन देते हैं, तो ये सवाल सही मार्क करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर B इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस थर्ड वन. नेक्स्ट सेंटेंस है, शी विल राइट एज सून एज शी विल अराइव सून. ओके, सो इसका सही जवाब है शी ऑप्शन नंबर A, शी विल राइट एज सून एज शी अराइव्स सून. ओके, देन लेट्स गो अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 5 to 12. सो हियर वी हैव टू फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन. ओके, तो एक पैसेज दिया है उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हैं और हमें यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल्स या प्रीपोजिशंस डाल के उसे फिल करना है. तो ये अगले 7 सवाल है. So let's see. Dash dash great deal has been said and written dash dash by gypsies. Okay. So great deal है,
लेकिन कैसी ग्रेड डील है उसमें कोई स्पेसिफिकेशन यहाँ पे है नहीं, वो एक कॉमन ग्रेड डील है, इसलिए वहां पे ए आर्टिकल आएगा। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जब ग्रेट आता है दी ग्रेट बोलते हैं, लेकिन इसका भी एक आर्टिकल का एक रूल है कि जो भी कोई एक कोई बड़ी चीज है या कोई महत्तम चीज है, लेकिन वो पर्टिकुलरली मतलब स्पेसिफाई नहीं है, वो वन ऑफ द ग्रेट अमंग ऑल है, तो उसको ए से हम डिनोट करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पहली फिल इन द ब्लैंक्स में ए आएगा। अ ग्रेट डील हैज बीन सेड एंड रिटन, तो यहाँ पे जो आएगा कनेक्टिंग प्रीपोजिशन वो आएगा बाय जिप्सीज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, मतलब ये जो सिक्स यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आएगा बाय। एज स्ट्रेंज ट्राइब एक्साइटेड मच क्यूरियोसिटी इन द पीपल विथ हुम दे लिव्ड, दे हॉक्ड अबाउट स्मॉल आर्टिकल्स एंड सोल्ड देम, सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज इन सोल्ड देम इन फेयर्स, जो मेले होते हैं उसमें वो सोल्ड करते हैं। दे अट्रैक्टेड अ ग्रेट मेनी पीपल, सो अगेन ग्रेट मेनी पीपल इन बाय देयर मैजिक शोज। ओके, सो इस तरीके से ये आपको फील करने हैं, राइट सो ये आगे जो है वो यहाँ पे मैंने टिक किए, वो आप एक बार देख लेना, पैसेज पढ़ लेना, और उस हिसाब से आर्टिकल और प्रेपोजिशन यहाँ पे हमें यूज करने हैं। ओके, सो आई हैव मार्क ऑल द करेक्ट आंसर टिल क्वेश्चन नंबर 12। देन लेट्स मूव अहेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 to 17। हियर यू कैन एबल टू सी देर आर सम रिलेटेड वर्ड्स आर गिवन एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट रिलेटिव वर्ड फॉर द थर्ड वन। ओके, स्टार्स देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं, तो शिप को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप तो नहीं करते, डेक भी नहीं होता यूज, या गायरोस्कोप भी यूज नहीं होता, उसके लिए यूज होता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कोई भी एक सबमरीन होती है उसको अगर देखना है कि सतह पे कोई शिप है कि नहीं, तो ये पेरिस्कोप का यूज करते हैं। अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो यही वर्ड उठा के गूगल पे डालो, आपको पिक्चर वगैरह उसका कैसा मैकेनिज्म होता है ये सब मिल जाएगा। ओके, ये गायरोस्कोप क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड मेंटेनिंग ओरिएंटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट और सम शिप्स और वेसल्स। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए काम आता है। डेक क्या होता है? ये टॉप फ्लोर होता है शिप का, डेक होता है। ओके, तो ये ऐसे अलग अलग आपको रिलेशन शिप एस्टेब्लिश करने के सवाल आएंगे या वर्ड्स आएंगे, जिसका जो पहला वर्ड होगा उसका दूसरे के साथ कुछ रिलेशन होगा और उसी के बेसिस पे हमें तीसरे वर्ड का चौथे वर्ड के साथ रिलेशनशिप ढूंढना होता है, तो ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कैलेंडर डेट्स, तो कैलेंडर में हम डेट्स देखते हैं, वैसे डिक्शनरी में हम क्या देखते हैं? वर्ड्स देखते हैं, इसमें बुक्स है, लैंग्वेज है, वोकैबुलरी है। तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये वोकैबुलरी भी हो सकता है, लेकिन वोकैबुलरी एक थोड़ा अलग ये होता है, वर्ड होता है, उसका मीनिंग थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में अलग आता है। जैसे कैलेंडर का बेसिक यूनिट क्या होता है? उसमें हम डेट्स देखते हैं, वैसे डिक्शनरी में वोकैबुलरी थोड़ी देखते हैं, डिक्शनरी में हम वर्ड्स देखते हैं, पर्टिकुलर उसका एक जो यूनिट होता है वो वर्ड्स का होता है ना, कोई भी वर्ड हम देखते हैं। वोकैबुलरी में तो बहुत सारी चीजें आती है, इडियम्स भी आते हैं, वर्ड्स भी आते हैं, और भी कुछ सारे फ्रेजेस आते हैं, राइट। तो ये थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट हो गया, ये पर्टिकुलरली इसका सही आंसर होगा वर्ड्स। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन, यस्टरडे टुमारो। ओके, तो इन्होंने एक साइकिल दिया है कि एक भूतकाल का एक जो दिन है उसको दिखाने वाला शब्द दिया है, और एक फ्यूचर अगला वाला दिन दिखाने का शब्द दिया है, और उसी की एनालॉजी उन्होंने मंथ्स के साथ कोरिलेट की है। यस्टरडे टुमारो, सो यहाँ पे मार्च दिया है तो अप्रैल छोड़ के आपको मे लेना पड़ेगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देन हेल्थ सिकनेस, सो हैप्पीनेस मर्सी, राइट। हेल्थ मतलब आरोग्य, उसके अपोजिट क्या है? सिकनेस, मतलब अनारोग्य या अशक्तपना या ऐसा कुछ आप बोल सकते हो, सिकनेस। हैप्पीनेस मीन्स जॉय, उसके विपरीत क्या होता है? मिजरी मीन्स दुख या सॉरो, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये बाकी की जो वर्ड्स है आप ही खुद देख सकते हो कि ये यहाँ पे मैच बिल्कुल नहीं करते। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। देन वी हैव 17 नंबर क्वेश्चन, रिसेप्शनिस्ट विच इज मीन्स रिसेप्शनिस्ट का काम कहाँ पे होता है? ऑफिस में होता है। वैसे होस्टेस का काम कहाँ पे होता है? तो एयरपोर्ट पे होता है। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखो कुछ लोग यहाँ पे एयरक्राफ्ट भी टिक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने
एयर होस्टेस का जो काम होता है वो कुछ सर्व वगैरह करती है, टिकट वगैरह चेक करती है, तो एयरक्राफ्ट में किसी ने ट्रैवल किया होगा तो उनको वो पता होगा। लेकिन एयरपोर्ट पे भी जो लोग होते हैं, मतलब उनका एक स्थायी ऑफिस जैसा या जो भी वहां की फॉर्मेलिटीज होती है वो होस्टेस करती है, और एयरक्राफ्ट में जो होती है वो एयर होस्टेस होती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। देखो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने होस्टेस पूछा है, होस्टेस मीन्स जो होस्ट कर रही है आपको, तो एयरपोर्ट पे जो होस्ट कर रही है इसलिए उसको होस्टेस बोलती है। अगर यहाँ पे आगे एयर लगता तो ये एयर होस्टेस हो जाती, जो एयरक्राफ्ट में या जो हवाई जहाज जिसमें हम ट्रेवल करते हैं उसमें हमें रिसीव करती है, उसे एयर होस्टेस बोलते हैं। ओके, उसके बाद है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18-21। तो इसमें क्या है कि कंपेरेटिव डिग्री में हमें सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन। पंछी एरोप्लेन जितने तेज नहीं उड़ सकते, राइट। तो ऐसा ये सेंटेंस है, तो इसको हमें इसकी डिग्री कंपेरेटिव डिग्री में इसे हमें कन्वर्ट करना है, राइट। सो कंपेरेटिव डिग्री में हमें पता है कि जो भी विशेषण होता है उसको ईआर लगता है, राइट, और कुछ चेंजेस होते हैं दैन लगता है, ईआर और दैन का प्रयोग होता है, तो इसमें से हमें सही ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखो द एरोप्लेन फ्लाइज फास्टर देन बर्ड्स, तो यहाँ पे फ्लाइज लगा है, राइट। तो इस तरीके से हमें ये चीजें ढूंढनी है, देखनी है, ग्रामेटिकली जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 19, आई ट्रीट द पुअर विद द सेम रिस्पेक्ट एज आई डू द रिच। मैं किसी गरीब को उसी तरीके से रिस्पेक्ट देता हूं जैसे मैं किसी श्रीमंत व्यक्ति को देता हूं। तो ये किस तरीके से होगा, आई ट्रीट द पुअर विथ नो लेस रिस्पेक्ट देन द रिच। ओके, तो ये इसका नो लेस देन, ये देखो ये कंस्ट्रक्शन देखो सेंटेंस का, नो लेस देन। ओके, यहां पे एज मच एज आया है, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। ये जो थर्ड सेंटेंस है इसमें भी देखो एज आया है, देन का यूज ही नहीं हुआ है। सुपर कंपेरेटिव डिग्री में तो हमें वो चाहिए होता है, और ये देखो द का यूज हुआ है लेकिन इसमें एक जनरल सेंटेंस किया है, ना तो ये कंपेरेटिव डिग्री है ना तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये भी इलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, आई ट्रीट द पुअर विथ नो लेस रिस्पेक्ट देन द रिच। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, शाकुंतला इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। सो ये सुपरलेटिव डिग्री में दिया है तो इसको हमें कंपेरेटिव डिग्री में लाना है। शाकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत, तो ऐसा हम बोल सकते हैं ना जब हम सुपरलेटिव से कंपेरेटिव में करते। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, लीड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ओके, तो ये अभी यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, द हेवीएस्ट बोला, राइट। सो यहाँ पे देखो नो मेटल इज हेवियर देन लीड, ऐसा कभी बोला है क्या, नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। लीड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल्स, ये आ सकता है कि कोई भी अन्य वस्तु से या मेटल से लीड जो है वो ज्यादा हेवियर है, ये कंपेरेटिव में हो सकता है। लीड इज हेवियर देन ऑल अदर मेटल्स, ये भी हो सकता है। सो हियर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22-24। हियर वी हैव टू चूज द फ्रेजल वर्ब अगेंस्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स। ओके, बहुत बार स्टूडेंट क्या होता है कि एग्जाम में ऐसे सेंटेंस देते हैं लेकिन वहां पे वो हाईलाइट करने भूल जाते हैं, तो हमें वो अच्छे से मतलब सेंटेंस पढ़ के हमें अनुमान लगाना होता है कि इसमें कौन से वर्ड्स के लिए ये नीचे के चार ऑप्शन दिए। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सी यू के लिए, सी यू एट, ये जो फ्रेज है इसके लिए ये चार ऑप्शन दिए, तो इसमें से सही हमें ढूंढना है। तो इसका सही जवाब है लुक इन टू, आई शैल सी यू एट यूर स्कूल। तो इसका आप ऐसा भी कर सकते हो, आई शैल लुक इन टू एट यूर स्कूल। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है ये, द टीचर इज एग्जामाइनिंग द आंसर स्क्रिप्ट। ओके, सो इसका सही जवाब होगा द टीचर इज लुक आफ्टर द आंसर स्क्रिप्ट। ओके, उसके बाद ये 24 देखो, द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट। सो डाइड का जो फ्रेजल वर्ड है उसे पास अवे बोलते हैं, राइट, द ओल्ड मैन पास अवे लास्ट नाइट, राइट। तो इस तरीके से ये है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25-28, इसमें क्या है कि करेक्ट मीनिंग ढूंढना है आपको दिए हुए वर्ड का। ओके, चूज अ करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पे फेयर वर्ड दिया है, तो फेयर का करेक्ट मीनिंग देखो क्या है, पहला ऑप्शन है एक्सेप्टेबल, दूसरा है एन इवेंट वेयर पीपल सेल देयर गुड्स,
तो ये फेयर अलग होता है राइट। मनी दैट वन पे टू ट्रेवल बाय बस और प्लेन, उसे भी हम फेयर बोलते हैं ना, बस का किराया कितना है, फेयर कितना है राइट, टू बी सक्सेसफुल। तो ऐसे अलग अलग दिए है, तो इसमें से जो मोस्ट क्लोज है फेयर ट्रीटमेंट जो बोलते हैं ना फेयर, तो वो है एसेप्टेबल। फेयर मीन्स एसेप्टेबल, फेयर ट्रीटमेंट और फेयर इलेक्शन, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप इसका मीनिंग ले सकते हो। उसके बाद है फियांस, तो जो भी दूल्हा होता है, मेल पार्टनर होता है किसी भी वेडिंग में, तो उसे फियांस बोलते हैं, और जो दुल्हन होती है उसे फियांस ही बोलते हैं। ये मतलब कोई मतलब नई शादी करने वाला कोई कपल है, अगर वो कोई लड़का है उसको अगर उसके होने वाले बीबी के बारे में बोलना है तो वो बोलता है कि शी इज माई फियांसी, और अगर कोई लड़की है उसको अगर उसके पति के बारे में, होने वाले पति के बारे में बोलना है तो वो बोलती है ही इज माई फियांस राइट। तो लाइक वाइज ये नॉर्मल वोकेबलरी है, जिन्होंने ये वर्ड पहले सुने होंगे या कहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके देन होम, होम क्या होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन देखो कि कितने वेग ऑप्शन दिए कभी कभी, द टाउन, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री, दैट वन कम फ्रॉम और वेयर वन इज लिविंग। देखो हम बोलते हैं कि आपका होम टाउन कौन सा है, या एक आपका होमली प्लेस कौन सा है, तो हम क्या बोलते हैं कि एग्जैक्ट तो एड्रेस हम बताते नहीं, हम हमारा सिटी का नाम बताते हैं। जैसे कि कोई बंदा है जो चेन्नई से बिलोंग करता है, सो माई होम टाउन इज चेन्नई, और चेन्नई इज माई होम, इंडिया इज माई होम, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो इसका जो क्लोज मीनिंग है वो ऑप्शन नंबर ए में रिफ्लेक्ट हो रहा है, सो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नीचे देखो, अ बिल्डिंग फॉर पीपल टू लिव इन, तो बिल्डिंग को होम थोड़ी ना बोलते हो, बिल्डिंग को तो बिल्डिंग ही बोलेंगे जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे फ्लैट रहते हैं वहां पे। ओन लिविंग स्ट्रक्चर फॉर लिविंग, तो ओन लिविंग स्ट्रक्चर बट किसका, किसी प्राणी का भी होगा, इंसान का भी होगा, या और किसी चीज का होगा राइट। तो ये भी यहाँ पे कोई क्लियर मतलब उसका निकल नहीं रहा है, तो मोस्ट क्लोज इसका जो मीनिंग था वो ऑप्शन ए रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन रेफ्यूज, रेफ्यूज क्या होता है? जैसे कि कहीं पे वॉर चल रही है या कोई नैसर्गिक आपदा आई है, तो वहां से लोग भाग के किसी दूसरे जगह पे जाके आश्रय लेते हैं, तो उसे रिफ्यूज बोलते हैं राइट। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो यूक्रेन, बहुत सारे यूक्रेनियन लोग हैं जो पोलैंड में, जर्मनी में, या यूरोप के अन्य देशों में रेफ्यूज ले रहे हैं। सो टू टेक अ शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर और ट्रबल एक्सेट्रा, उसे बोलते हैं हम रेफ्यूज। ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन लेट्स मूव अहेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29 to 32। हियर द डायरेक्शन दे हैव मेंशन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसके लिए देखो आपको बहुत सारे जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उसका करेक्ट स्पेलिंग पता होना चाहिए, जरूरी है उसके मतलब। देखो कई बार क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन अलग होता है किसी वर्ड का और उसका स्पेलिंग अलग होता है, तो उस केस में हमें स्पेलिंग पता होना बहुत जरूरी। जैसे कि साइकोलॉजी देखो, वो पी से चालू होता है लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन वो एस से होता है, हवर, तो एस से चालू होता है लेकिन वो हम हवर नहीं बोलते, अवर बोलते हैं ना, तो वो प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है उसका। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, तभी हम इस तरीके से करेक्ट स्पेल्ट वाले वर्ड जो है उसको सही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखो, एपोलॉजी दिया है, तो यहाँ पे अलग अलग उन्होंने स्पेलिंग दिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट है। ज्वेलर का देखो, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गायनेकोलॉजी का देखो, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गायनेकोलॉजी क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ साइंस और मेडिकल प्रैक्टिस विच डील्स विथ हेल्थ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसे गायनेकोलॉजी बोलते हैं। ओके अचीवमेंट, अचीवमेंट का देखो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्पेलिंग दे रखे, तो ये अगर आपने सही से पढ़ा है, जब आप कोई भी इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ते हो या पढ़ाई करते हो उस समय आप अगर वो स्पेलिंग के बारे में अगर सतर्क है तो डेफिनेटली आप ये चीज अच्छे से कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस की बात है, यहाँ पे कितना भी शार्प स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो भी कभी कभी गलती कर देता है, इसलिए शांति से हम ये सोचना होता है कि कौन सा स्पेलिंग सही है और तभी आपको ये मार्क करना है। ओके उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन नंबर 33 to 40 है यहाँ पे। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या है कि एक सेंटेंस के उन्होंने चार या पांच पार्ट किए हैं, अगर उसमें कोई गलती है जिस पार्ट में तो उसको आपको यहाँ पे टिक करना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से, और अगर कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 जो है यहाँ पे उन्होंने दिया है नो एरर, तो वो आपको मार्क करना है। तो
तो ये क्वेश्चन नंबर 32 देखो, आई शाल फॉरगिव यू इफ यू टोल्ड मी द ट्रूथ। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिखता है कि ये टोल्ड जो है तो इफ यू टेल मी होना चाहिए यहाँ पे, राइट, इफ यू टेल मी द ट्रूथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू मेक अप योर माइंड दैट सच अ थिंग्स नेवर विल हैपन अगेन। तो यहाँ पे देखो ये नेवर और विल ये होनी चाहिए, ऐसा इनिशियली हमें लगता है, राइट, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ये सेकंड पार्ट, यू मेक यूअर माइंड। तो ये जो है ये किस तरीके से आया ये मैं भी समझ नहीं पाया, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था, राइट। तो एक बार ये भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसा आएगा ये सेंटेंस, आई होप यू मेड अप योर माइंड, नॉट अ मेकअप, इट्स अ मेड अप योर माइंड, ऐसा होना चाहिए। ही ट्राइड हाउ मेनी माइल्स ही कैन वॉक इन एन हावर। ओके, सो यहाँ पे देखो जो करेक्ट है उसका जवाब ये है ऑप्शन नंबर बी, मतलब यहाँ पे कैन के अलावा कुड होना चाहिए। ही ट्राइड हाउ मेनी माइल्स ही कुड वॉक इन एन आवर। ओके, कैन के जगह पे कुड होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, दे केम टू सी अस एज ऑफन एज दे कुड। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे कुड नहीं तो कैन होना चाहिए, दे कैन होना चाहिए, राइट। सो ये फोर्थ पार्ट यहाँ पे गलत है। द टीचर इंक्वायर्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे रिमेंबर्ड द लेसन वेल। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द टीचर इंक्वायर्ड द स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें गलती है। द स्ट्रेंजर आस्क द पुलिसमैन दैट विच रोड वुड लीड टू स्टेशन। अब इसमें देखो ये जो थर्ड पार्ट है, दैट विच रोड वुड लीड टू स्टेशन, तो इसको उन्होंने मार्क किया है। इसका जो है मुझे भी मतलब अच्छे से कोई क्लू मिला नहीं कि किस वजह से जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें ये चीज उन्होंने मेंशन की है। स्टिल इफ यू हैज सम प्रॉपर रिलेवेंस फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर देन डू राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, देन 39 देखो, इट बिलीव्ड दैट राम बाबू वॉज वेरी रिच इन विलेज। ओके, तो इसमें देखो यहाँ पे इट बिलीव लिखा है, यहाँ पे कोई भी बीच में हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे इट बिलीव होना चाहिए, इट बिलीव दैट, इट ये थर्ड जेंडर का यहाँ पे ये सर्वनाम का यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे इट बिलीव होना चाहिए, इट बिलीव दैट राम बाबू वॉज वेरी रिच इन द विलेज, राइट। थर्ड पर्सन का यहाँ पे उन्होंने ये किया है ना, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, बिकॉज इसमें गलती है, इट बिलीव होना चाहिए। लास्ट वन देखो, माई न्यू बुक विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ। ओके, सो देर इज नो एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, माई न्यू बुक विल बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ। ओके, सो इस तरीके से दोस्तों ये 40 सवाल थे जो कि डिपार्टमेंट ऑफ परचेस के जूनियर स्टोर कीपर और जूनियर परचेस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए थे। इस साल भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे टफ भी हो सकते हैं या आसान भी हो सकते हैं, लेकिन एक आपको पूरे इंग्लिश सेक्शन का एक आइडिया मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन में से दिया है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए। अगर इसमें आपको कोई डाउट है जरूर कमेंट में डिस्कस कीजिए, और अगर कोई और आंसर का मतलब जो प्रोस्पेक्टिव है देखने का आंसर की तरफ, वो भी अगर आपका अलग है सो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि बाकी कैंडिडेट को भी उसका फायदा हो सके। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन, वी विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो सेशन, राइट। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।